हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AIB 19 का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में और सिलेबस के बारे में जो नए कन्फ्यूज़न्स हैं लोगों को, उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से आप लोगों के बीच में मैं नहीं आ पा रहा था। AIB 18 का हमने अच्छे से प्रिपरेशन किया था और जितने भी स्टूडेंट थे उनसे पॉजिटिव फीडबैक मिले। AIB 17 का हमने अच्छे से प्रिपरेशन किया था और उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट पास हुए थे। इस बार थोड़ा कट ऑफ में जो है वो 45 मार्क्स लाने होंगे जनरल स्टूडेंट्स के लिए और 40 मार्क्स लाने होंगे अदर SC ST एंड रिज़र्व कैटेगरी के लोगों को। तो ये एक बेसिक है जो चेंजेस हैं। बाकी साथ में और क्या है, नया सिलेबस है कि नहीं है, और पेपर का जो एग्ज़ाम है पैटर्न वो क्या रहने वाला है, और साथ ही के साथ हम एग्ज़ाम को कैसे फिलअप करेंगे फॉर्म को, ये भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं। इसकी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिखेगा नोटिफिकेशन। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भारतीय विविध प्रसद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन जो है इसमें क्या क्या एक्टिविटी है। सबसे पहले जो AIB 19 का एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। जो पेमेंट है ऑनलाइन वो भी स्टार्टेड हो चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट डे 3 सितंबर जिन्होंने भरना शुरू किया था उनकी पेमेंट नहीं हो रही थी। OTP काफ़ी डिले से आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा डिले से बनाना ही समझा उचित, ताकि आप लोगों को जो है पेमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है उस वजह से दिक्कतें आ रही थी, तो आप जल्दी फॉर्म अपना एकदम हड़बड़ी में ना भरने की कोशिश करें, आराम से फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि कोई भी गलती उसकी वजह से आपके लास्ट में एडमिट कार्ड रुक जाते हैं। और फिर काफ़ी क्वेरीज स्टूडेंट की पिछली बार भी आई थी काफ़ी ज़्यादा। देखो ये चैनल जो है मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने AIB 18 की भी पूरी प्रिपरेशन कराई थी, PCS J 2023 की प्रिपरेशन कराई है लोगों को, और साथ में AIB 17 के भी वीडियोज़ मैंने काफ़ी इसमें डाले हुए हैं, प्रिपरेशन कराई थी। साथ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं AIB 19 की भी प्रिपरेशन मोड पे जाऊं, लेकिन बैचेस जो हैं वो नहीं उस टाइम से बन पाए थे उसके। AIB 18 के जो बैचेस थे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। AIB 19 की भी कुछ ऐसी कोशिश की जाएगी, तो आप जो है बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रायर बेसिस पे मिल सकें। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आ जाती है, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो AIB और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स का, मैं बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मुझसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। 2 साल से वीडियो नहीं बना पा रहा था, 1.5 साल से लगभग AIB 17, 18 के बाद से ही वीडियो, काफ़ी टाइम से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। तो अब कोशिश होगी कि लगातार वीडियोस मैं इसमें पब्लिश करूं। कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं नहीं ऑनलाइन आ पा रहा था आप लोगों के बीच में, तो थैंक यू आप लोगों को, बार बार आपने रिमाइंडर कराया जिसकी वजह से ये मोटिवेशन मिला कि नहीं, वीडियोज़ जो है मुझे अपने बनाते रहना चाहिए। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाएगा, तो अभी बहुत दिन है, आप भर सकते हैं। और साथ ही जो लास्ट डेट है करेक्शन वगैरह की वो 30 अक्टूबर तक आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि एक बार में आप अपना फॉर्म सही से भरें, ताकि कोई करेक्शन की गुंजाइश ना बचे। इसके बाद आपका 18 नवम्बर को एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम जो है 24 नवम्बर को आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन एक यहाँ पे उठ रहा है कि यार इतनी जल्दी अभी फॉर्म आया और इतनी जल्दी एग्ज़ाम है तो तैयारी का क्या होगा। देखो एक बार तो ये है कि इनके नोटिफिकेशन का कोई भरोसा नहीं है, ये नोटिफिकेशन एग्जैक्ट नोटिफिकेशन डेट पे एग्ज़ाम कभी आज तक मतलब इनके होते नहीं रहे, तो इनकी डेट ज़रूर थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो हो सकता है कि डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपकी आगे बढ़े और चेंज हो, लेकिन आप इसके भरोसे मत रहिए कि आगे ही बढ़ेगी तभी कुछ होगा। आप अपनी ये मान के चलिए कि फाइनल एग्ज़ाम डेट जो है 24 नवंबर ही है, और आपको अभी से प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है। इसके पहले जो पेपर थे उसमें 40% के कट ऑफ थे, तो उसमें थोड़ा इजी था, इसमें 45% का कट ऑफ है, थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ाते ही जा रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी इस एग्ज़ाम में आपको जो 45% है अभी कोई नेगेटिव मार्किंग की ऐसी कोई सूचना नहीं है। साथ में 45% का जो कट ऑफ है आपका
उसमें जो है आप वेयर एक्ट भी पूरी तरीके से ले जा सकते हो, और जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसमें जो सिलेबस की सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, उसमें सिलेबस में कोई भी अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि नए लॉज आएंगे। अभी उन्होंने 17 का ही सिलेबस अपडेटेड डाल रखा है उसमें, और वही सिलेबस जो है अभी तक कोई सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आएगी वैसे ही मैं नोटिफिकेशन जारी करके आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगा सिलेबस के बारे में। वही जो तीन हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इनके नए वाले एक्ट आएंगे या पुराने वाले एक्ट आएंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों में। तो ये मैं डिटेल जैसे ही आएगा उसका वीडियो मैं आपके सामने ले आऊँगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। इसमें लॉगिन का ये फॉर्म है, अगर जिनका पहले से ही एप्लीकेशन जो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सीधे सीधे अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल करके लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर, एप्लीकेंट नेम जो आपकी मार्कशीट में और जो आपके आधार कार्ड में मेंशन हो वही नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, इससे रिलेटेड कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको वही देना है जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फर्दर, और ओटीपी आपका आएगा, पेमेंट भी इसी मोबाइल पे होगी, और कोई भी फर्दर करेक्शन होगा तो आपको इसी मोबाइल नंबर पे ही सूचना दी जाएगी और इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगा। इसलिए ये दो चीज़ें आपको गलती से भी गलत फिल नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट ने गलत की थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कई बार उनके जो हेल्पलाइन सेंटर है उनका, वहाँ पे उनको बार बार अप्रोच करना पड़ता, बार बार उन्होंने मुझे भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल डाल के परेशान किया था। तो ये गलती आप लोग ना करें। ईमेल एड्रेस आप वही ईमेल एड्रेस दीजिए जो आपका वर्किंग है और जिस पे आपको ईमेल आएगा। ईमेल का जो ओटीपी आएगा वो आपको स्पैम में ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कई बार स्पैम में ओटीपी आता है, इनबॉक्स में डायरेक्ट नहीं आता है। उसको प्राइमरी में जा कर के सेट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में भी आने लगेगा, लेकिन उसको झंझट पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पैम भी चेक कर लीजिएगा। पासवर्ड आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक है, आप पासवर्ड ज़रूर याद रखें, अदरवाइज़ आप नहीं भी याद रहता तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पासवर्ड का ऑप्शन है आपके पास, आप बदल भी सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म ये इंफॉर्मेशन फिल करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। आपके फ़ोन पे भी आएगा, आपकी ईमेल पे भी आएगा, थोड़ा डिले में आएगा तो आप परेशान मत होइएगा। तो उस टाइम पर साइट स्लो थी, अभी साइट ठीक चल रही है मेरे हिसाब से, तो आपको जल्दी आ जाएगा। स्पैम में भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे इसलिए फिर से आपको थैंक यू कहकर लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप लॉगिन पे जा करके अपनी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके आप लॉगिन हो जाइए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर आपको फिल हुआ करा हुआ आएगा, AIB 19 लिखा हुआ है, एग्ज़ाम नेम आपको AIB 19 सेलेक्ट करना है, एप्लीकेंट्स का फुल नेम, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम सेलेक्ट करेंगे, नेम एज़ रिकॉर्डेड इन द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपका आधार कार्ड में नेम है आप वो लिखेंगे, कैटेगरी आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में कई सारे ऑप्शन आपको आएंगे, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सारे गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपको, उनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। नाउ अब आते हैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि मैं अभी LLB कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं अपना ये फॉर्म डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब तक आपके पास स्टेट बार काउंसिल का लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, यहाँ पे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर आपके पास नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको बार काउंसिल में, आपकी लोकल स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तभी आपके पास वो नंबर आएगा और तभी आप जो है आप इनरोल कर पाओगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अदर डिटेल्स जो हैं वो आपको बार काउंसिल की डिटेल डालनी है, किस बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट है, आपका यूपी बार काउंसिल में है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में है, जिस भी स्टेट बार काउंसिल में है आपको वो स्टेट बार काउंसिल सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर है वो ज़रूर ध्यान से सही भरना है, ठीक है। बाद में करेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, बहुत दिक्कतें होती हैं।
कैंडिडेट टाइप आपने फ्रेश दे रहे हो, अगर को पिछली बार आप दे चुके हो तो यहाँ पे आप रिपीट डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, सेव पासवर्ड करेंगे, फिर आपको ये फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। तो ये जो डिटेल है वो AIIB एग्ज़ामिनेशन की पूरी पूरी डिटेल मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। साथ ही मैंने जितने भी वीडियो हैं वो अपने